मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे उन मदरसों और संस्थानों का रिव्यू किया जाए जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में वर्चुअली आयोजित लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर भी नजर रखने को कहा। सीएम ने कहा कि भ्रामक खबरें, संवेदनहीन और कट्टर कमेंट करने वालों को पहचाने और जरूरी एक्शन लें। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी सुधीर सक्सेना मौजूद रहे। अब कांग्रेस में बड़ा नेता बनने के लिए होड़ लगी हुई है, और बड़ा कैसे बने? कोई विधानसभा में झूठ बोलता है और निलंबित हो जाता है, कोई विधानसभा में नियमावली फाड़ देता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है, कोई दिव्यांग को मारता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है। अच्छा, कोई तो ऐसे बयान देता है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम्स की संख्या देश में कम हो रही है, ये भी बड़ा नेता बनने के लिए कर रहे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लॉ एंड ऑर्डर की बैठकें ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लहरा नगर पालिका के सीएमओ पर हमला किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा की शहर पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अम्बरीश शर्मा ने कराया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आपकी कथनी और करनी में सच्चाई है तो गुंडों पर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी केवल बैठक भाषण तक सीमित है और बैठक के बाद कोई क्रियान्वयन नहीं होता। अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज सुबह नगर पालिका लाहौर जिला भिंड द्वारा तहसीलदार और सीएमओ अतिक्रमण हटाने के लिए गए, उन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के समय सदस्य अमरीश शर्मा द्वारा गोलियां लेके लाठियां बंदूक से सीएमओ पर हमला किया, तहसीलदार की गाड़ी तोड़ डाली और हजारों की तादाद में थाना घेरने का काम किया। बीते कुछ दिनों में घटित हुई वारदातों के बाद मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था का रिव्यू करने के लिए ये बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक से निकली बातों पर राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लाए जाने की बात कही जा रही है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि कानून व्यवस्था में लाई जा रही कसावट सरकार को चुनाव में कितना फायदा पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव डिबेट बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। ये रिपोर्ट आपने देखी विस्तार से कि किस तरह से आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक तरफ बैठक हुई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर तंज भी कस दिया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ध्वस्त है, लेकिन मुख्यमंत्री इसे दुरुस्त होने की बात कह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। ऐसा कहकर कुछ लोग बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं वो जो बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की हकीकत क्या है मध्य प्रदेश में, ये आज इस चर्चा के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है, सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब करा दें। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए अनिल पटेल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव डिबेट मध्य प्रदेश में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रोहित मुकेश नायक जी। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार किशन राज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले अनिल जी, आपका रुख करना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली है कानून व्यवस्था को लेकर, खासकर इसमें फोकस रहा। अब लगातार मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद है मध्य प्रदेश में, फिर क्या वजह है कि कांग्रेस ऐसा कहती है कि जो मुख्यमंत्री दावा करते हैं इसके इतर जमीनी हकीकत है? देखिए, मध्य प्रदेश को चलाने के लिए उसमें कानून व्यवस्था एक पक्ष है जी, और उसमें कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आज रिव्यू बैठक ऐसी करी गई। इस बैठक में माननीय गृह मंत्री जी अपने और जिलों से एसपी, डीआईजी और आईजी, ऐसे सभी लोग डीजीपी प्रदेश से जुड़े रहे जी, और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। उसमें जैसे माफियाओं पर कैसे नकेल लगाई जाए, त्योहार आने वाले हैं तो त्योहार परशुराम जयंती है और भी त्योहार है,
तो उस पर पैनी नजर बना के कैसे शांति व्यवस्था बनाई जाए, जी। और JMP और PFI जैसे संगठन है इन पे कैसे नजर बनाई रखी जाए, और कुछ मदरसों से भी शिकायत आ रही है कि वहां पर गलत प्रकार की एक्टिविटी चल रही है, वैध मदरसे भी बनाए गए हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करके रिव्यू करके उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाए, अहाते बंद किए जाए, अवैध है कुछ बालू के रेत के कुछ माफिया सक्रिय हुए हैं ऐसे उनको भी ध्वस्त करने का काम कैसे किया जाए, ये तमाम तरह के रिव्यू हुए हैं जी। और इसी पर बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी लोग पूरे जिलों में सक्रिय हो जाए पुलिस महकमा हमारा, और उसमें ध्यान रखें कि कोई भी इस तरह की गतिविधि करते पाया जाए तो तत्काल कार्रवाई करें। उसमें एक विषय और आता है कि साइबर गतिविधियां और साइबर में साइबर रूप से भी सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत और अभद्र कमेंट कर रहे हैं, उन पर भी IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इस तरह से आज पूरी आज रिव्यू बैठक ये संपन्न हुई है जी। रोहित जी, आपने विस्तार से अनिल जी की बातों को सुना। जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में कहीं पर भी कानून को लेकर कोई लचर व्यवस्था नहीं है, कोई लूप होल नहीं है। साफ शब्दों में उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऐसा कहता है वो बड़ा नेता बनने की कोशिश करता है। साफ तौर पर निशाना उनका विपक्ष पर था। क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष होने के नाते इस तरह के आरोप हैं या वाकई मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था में किसी तरह का लूप होल देखती है आपकी पार्टी? जनता से बड़े नेता हो गए, अगर ये बात मानी जाए और समझी जाए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को मैनेज करना चाहिए जी। तो कौन से कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में अराजकता मची हुई है, हर तरफ अराजकता है आप देखिए, और आज की तारीख में ही कह रहे हैं कि हमको मदरसों का रिव्यू करना है। ये तो मंदिरों का रिव्यू कर रहे हैं, जहां जगत अम्बा जगत जननी के मंदिर पे रिव्यू की बात हो रही है कि कौन इस्लामिक कंटेंट है वहां पे, कौन सा ऐसा अधिकारी है जो मुसलमान है उसको हटाया जाए। जब आपके मंत्री इस बात आप मंदिरों का रिव्यू कर रहे हैं, आप कहां आप कहीं भी मदरसों तक सीमित नहीं है। ये क्या है, अली बेते से कभी ऊपर ही नहीं उठ सकते, ये ओम तक पहुंच ही नहीं सकते। ये ओम तक पहुंचने के लिए इनको अपनी बहुत ज्यादा अभी यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। हिंदूवादी राष्ट्र बनाने की परिकल्पना इनकी तो बहुत दूर तक है। ये जो बात करते हैं यहाँ पर कहीं पर भी धरातल में कोई आप बताइए ना, कोई कोई आपको लगता है कोई जड़ मूल है? आपके अधिकारी आपके निरंकुश हैं, आपके मंत्री जो है वो मस्त हैं, आपके जो जो जितने भी कार्यकर्ता है पस्त हैं, आप कहाँ पर हैं? आप मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये बातें जो करते हैं ये किस बात का रिव्यू कर रहे हैं? इनको अपनी समीक्षा करनी चाहिए। ये दुनिया भर की समीक्षा इसलिए कर रहे हैं और इस बारे में तो समीक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि चुनाव ये अगर जीतेंगे तो केवल धरातल पे ध्रुवीकरण से जीतेंगे। ये विकास की जो बात करते हैं वहां तो करें चलक गई इनको, विकास यात्रा में इनको निचोड़ निचोड़ के मारा गया, कि ये कुछ कर नहीं पाए वहां पर। विकास यात्रा निकालते रहे, समझाते रहे लोगों को, विकास हमने किया है, विकास हमने किया है। जनता ने कहा भैया किसका विकास, आपका क्या हमारा जी? बिल्कुल, इस सवाल से उबर कहां पा रहे हैं आप, मुझे बताइए ना। सवाल कई बने। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केशव राज पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। केशव जी, जिस तरह से दोनों पक्षों को आपने सुना, लेकिन अहम बात यदि हम फोकस रहे विषय पर, विषय यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मध्य प्रदेश में समय क्या स्थिति है। अगर हम राजनीतिक दलों के ऊपर बात करें, केशव जी, एक आम इंसान की तरह हम यदि पूरे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखें, एक पत्रकार की भांति समझें, तो क्या आप पाते हैं कि मध्य प्रदेश वाकई आज बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित है? या फिर मुख्यमंत्री को खुद आकर जब गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा करनी पड़ रही है, तो क्या ये स्पष्ट संकेत नहीं है केशव जी कि कहीं ना कहीं कसावट की अभी और आवश्यकता है? अमित शर्मा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जी। यहाँ पे भाजपा के जो महोदय हैं अनिल पटेल साहब जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि साइबर और सोशल मीडिया मदरसा जी, ठीक है। रोहित नायक जी भी बोल रहे हैं ध्रुवीकरण, ये टोटल इस वक्त जो माहौल चल रहा है इलेक्शन मोड पे आने का ये कैंपेनिंग है और लगभग 6 महीना बाकी है जी। दोनों ही पार्टियां इस वक्त धरातल की बातें नहीं कर रही हैं जी,
वो वोटरों को लुभाने की बात कर रहे हैं। मैदानी हकीकत बहुत दूर है जी। ये बात मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई आज माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की, उसमें ये बात जरूर है कि उन्होंने नक्सल मूवमेंट पे इसमें केवल एक पार्टी को हम क्रेडिट नहीं देंगे। नक्सल मूवमेंट पे छत्तीसगढ़ पे भूपेश बघेल सरकार, एमपी में शिवराज सिंह चौहान सरकार, ये दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और एक रेड कॉरिडोर जो बनता हुआ आ रहा था जी, उसको कई हिस्सों में डैमेज कर करके और नक्सलाइट को कंट्रोल पे लाए हैं। तो आप देख रहे होंगे कई अरसे से पुलिस पर हमले वाली घटनाएं थम सी गई हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो और विषय भी थे केशव जी, इसमें जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि अवैध रेत के खिलाफ अच्छी कार्रवाई हुई, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक क्षेत्र विशेष ऐसा है जहां पर परिवहन लगातार जारी रहता है, वहां तो पुलिस प्रशासन को भी छोड़ा नहीं जाता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि अहाते बंद होने के बाद ठेके के अलावा दूसरी जगह कहीं शराब न बिके, इस पर नजर रखने को कहा है, ऐसे स्थानों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो क्या जमीनी स्तर पर इस तरह की भी कार्रवाइयां हुई हैं या फिर सिर्फ समीक्षा के रूप में इसे प्रेजेंट किया गया है? मैं जी इसी विषय पर आ रहा हूं। हम बात करें मध्य प्रदेश का नीमच और मंदसौर, ये किन कारणों से फेमस है आप जानते हैं जी। ये दोनों जिलों में अफीम की पैदावार होती है, ठीक है। ये दोनों जिलों में तैनात पुलिस बल जी, ग्राउंड का बोल रहा हूँ, कांस्टेबल से लेके डीएसपी रैंक तक का, वो एक ही जिले में डटा हुआ है जी। उनका कोई रिशफल नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ही स्थान पे लंबे अरसे तक यदि फोर्स डिप्लॉय होगा जी, तो नेक्सस में भी वो चीज एंट्री होती है जी। आपने कई बार देखा होगा लोकायुक्त ट्रैप कर रही है, एसीबी ट्रैप कर रही है, तो ये उसका नतीजा है कि पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं जी, है ना। अब मैकेनिज्म की बात करें तो सरकार ने लगभग, सरकार से ज्यादा इसमें मैं दोषारोपण करूंगा पुलिस मुख्यालय का जी, कि उसने मैकेनिज्म में रीशफल करने का काम ही नहीं किया। पिछले दो साल से स्टेट पुलिस सर्विस कैडर के अधिकारियों के प्रमोशन का काम अटका हुआ है जी। अगर वो प्रमोशन हो जाता, वो प्रमोटेड हो जाता तो उसका जिला छूटता, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता, बिल्कुल है ना। लेकिन अब प्रमोशन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, एक आदमी कहाँ कितने समय से जुटा हुआ है, डटा हुआ है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जी, ठीक है। अब मुहिम सरकार का दबाव रहता है, मुहिम चलानी है जी। तो अब एक पूरा फोर्स, अमला, डीजीपी और पूरा भोपाल की पुलिस झोंक दी जाएगी जी, और 200 के 200 बॉटल पकड़ेंगे जी, वो 50-50 के चार हिस्सों में बांटेंगे और चार मुकदमे दर्ज करा के आंकड़ों में बताएंगे। लेकिन जो मैदानी ट्रांसपेरेंसी है और आंकड़ों के बीच जो मैकेनिज्म तैयार करना है जी, उसमें पुलिस मुख्यालय फेलियर है और इस वक्त सरकार भी फेलियर की स्थिति में है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं जी। जी मैं फिर से आऊंगा केशव जी आपके पास, जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, केशव जी ने एक बहुत बड़ी बात कही जो मैकेनिज्म की बात यहां पर है, और ये तो सभी जानते हैं, एक बिल्कुल सामान्य सी बात है कि लंबे समय से यदि किसी क्षेत्र विशेष में कोई भी पुलिस पदाधिकारी डटा हुआ है, शफलिंग नहीं हो पा रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही उस क्षेत्र में, तो कई तरह के सवाल अपने आप ही उठने लगते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पर गर्व है, दूसरी तरफ इनकी शफलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो क्या ये जरूरी नहीं कि सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि कसावट इस तरह के क्षेत्र विशेष में आए जो काफी संवेदनशील माने जाते हैं अपनी कुछ गतिविधियों के लिए? अनिल जी, देखिए, जब दिग्विजय सिंह का शासन था मध्य प्रदेश में, तो यही मध्य प्रदेश डाकू माफिया और अपराधियों का अड्डा बना हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने पूरे डाकू माफिया और अपराधियों को ध्वस्त करने का काम किया जी। और आप लीजिए कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ निजी ने पूरा दलाली का अड्डा बना रखा था और इनके जिला अध्यक्ष सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चला रहे थे। तो ट्रांसफर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होते हैं तो केवल यह देखते होते हैं कि उनकी जरूरत कहाँ पर है जी, और क्या उपयोगिता हो सकती है और कितना उपयोगिता हो सकती है, ये पैमाने रहते हैं और विभागीय स्तर पर ट्रांसफर किए ही जाते हैं जी, जहाँ जिसकी जरूरत होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नक्सलियों पे भी अभी कार्रवाई हुई है, उसकी भी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा है जी। बालाघाट में कार्रवाई हुई है, पहले तो साहब सिमी के अड्डे होते थे अपने मध्य प्रदेश में, अब वो कहाँ है सिमी के अड्डे, वो नहीं है। अब
अब कमलनाथ जी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, जी इसलिए ये बड़ा नेता बनने की सभी होड़ में लगे हैं, जी चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे गोविंद सिंह जी हो। जी अब ये इस तरह का कमेंट कर रहे हैं कि अब देखिए कमलापति जी पे जो हमारी आदिवासी महिला रही हैं, जी रानी रही हैं, उनको इन्होंने ऐसे अभद्र कमेंट कर दिया इन्होंने। अब फिर जी कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा हुआ, इतने पुतले हमारे जलवा दिए शिवराज नहीं, सिंह जी ने। अनिल जी निवेदन करूंगा हम विषय पर रहे। जिस तरह से केशव जी ने ये सवाल बड़ा खड़ा किया, और ये बड़ा ही वाजिब सवाल भी है अनिल जी, कि कई जगह ऐसी है मध्य प्रदेश में जो काफी संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं, वहां पर अवैध खनन होता है, हालांकि पुलिस की कार्रवाई समय समय पर देखने को मिलती है, लेकिन इन जगहों पर कई बार ऐसा भी देखा जाता है अनिल जी, जैसा कि आप भी जान रहे हैं, कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है, लंबे समय से कई सालों से कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो उस जगह पर जमे हुए हैं, तो क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कई लोगों का प्रमोशन अटका हुआ है, क्या उस पर भी सरकार को कसावट की दिशा में काम नहीं करना चाहिए? जी बात पूरी करें। देखिए आपने ट्रांसफर को लेकर के प्रश्न पूछा है, जी ट्रांसफर को लेकर मैंने जवाब दे दिया, जिसकी जी जहां जरूरत होती है विभागीय स्तर पे उस स्तर पे ट्रांसफर किए जाते हैं, जी उसकी भी लिमिट होती है कि 3 साल है, कहीं 2 साल है, कहीं 4 साल है, उस अवधि के अगर ऊपर जा रहा है तो भी ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी कहीं टिक गया है तो वहीं टिका रहेगा, अभी बहुत सारे कलेक्टर के भी ट्रांसफर हुए हैं, आप देखेंगे कि हमारे युवा में नई कलेक्टर आ गई है, जी तो इस तरह से ट्रांसफर जो है उपयोगिताओं के आधार पर होते हैं। चलिए, तो आप रही मानते हैं कि बात जो प्रशासनिक कसावट है वो अपनी जगह पर बनी हुई है? जी रिव्यू बैठक पे हमें बात करना चाहिए, तो रिव्यू बैठक तो लॉ एंड ऑर्डर के लेके हुआ था, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है तो कैसे ठीक हो सके हमारे प्रदेश में, जी और ये इसकी एक्टिविटी कहाँ से चल रही है, कौन ऐसे लोग हैं जो अव्यवस्था फैला रहे हैं, कौन इनको कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है, कौन जी ऐसे स्लीपिंग सेल हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम सरकारें समय समय पर करती रही हैं, जी और हमने फिर से रिव्यू किया है, और रिव्यू में जो कमियां आएंगी समझ में, जी जहां और कसावट की जरूरत है वहां सरकार उसमें कसावट करेगी और उसमें कड़ी कार्रवाई करेगी, चाहे उसमें आपके ये मदरसे हो जी। और चाहे ये सेल हो अलग अलग, इन सब पे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मदरसों को लेकर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां पर संदिग्ध गतिविधियां चली रही हैं वहां पर उन्हें चिन्हांकित किया जाए और फिर इस तरह की गतिविधियों को बंद लाने की कसावट की जाए। रोहित जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। जी रोहित जी, अमित जी मुझे वैसे तो बहुत कम समय मिला है, लेकिन मुझे ये बताइए मंदिरों पे रिव्यू क्यों, मदरसों पे रिव्यू की बात हो रही, मंदिरों पे रिव्यू क्यों? दूसरा, मैं केशव जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, वो कह रहे हैं कि डीजी पे और पुलिस प्रशासन पे ये बात लाके छोड़ देनी चाहिए कि इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों है। मुझे ये केशव जी और अनिल जी दोनों बता दें कि पुलिस का रिव्यू जो है वो मध्य प्रदेश में लास्ट कब हुआ था। मैं ये डिबेट अभी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे ये सही तारीख बता दें कि पुलिस का रिव्यू कब हुआ था। पुलिस, आप BRTS, आप कहीं ये बना रहे मेट्रो बना रहे जो जिसकी आवश्यकता नहीं है, आप क्या पुलिस को या किसी किसी प्रशासनिक सुविधा को दोषारोपण करके अपना अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? अगर आपकी आज आपको अगर आप सरकार में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन को मेंटेन करना होता है। आप जुडिशरी रो रही है जी, आपके केंद्र आपकी डबल इंजन की सरकार में जुडिशरी चीफ जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस रो रहे हैं टेलीविजन पे, उनका क्या काम? आप ये बोले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन क्यों कर रहे होंगे, बोल रहे हैं कि पुलिस की गलती है। केशव जी और अनिल जी मुझे दोनों बताएं कि लास्ट पुलिस रिफॉर्म जो है वो कब हुआ था मध्य प्रदेश? आपके कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह ने लास्ट रिफॉर्म कब हुआ था, कितनी रिव्यू करती करी इन्होंने आप बता दें। और आपने तो दूसरा क्वेश्चन किया, लास्ट पुलिस रिफॉर्म कब हुआ था मध्य प्रदेश में, आप अगर ये बता दें तो आप डिबेट के लिए तो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो फिर आप ये बोल रहे हैं कि ऐसी बात हो रही है, आप अपन दिशा से भटक रहे हैं। और ये समझिए, मुझे बताइए कि लास्ट पुलिस रिफॉर्म कब हुआ था जी। रोहित जी, आए दिन ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से, और आज भी ऑनलाइन ही रिव्यू हुआ है, ऑनलाइन ही बैठक हुई है, और तमाम हर महीने माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर और SP की बैठक लेते ही है, आपको जानकारी होना चाहिए। आप भागे या ना भागे डिबेट से, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रति महीने बैठक होती है कि नहीं होती है, कलेक्टर और SP उसमें बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, उसमें पूरे जिलों की रिव्यू होती है कि नहीं होती है। जी, समय समय पर ऑनलाइन रिव्यू तो किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है रोहित जी, क्योंकि
फिजिकल अपीयरेंस के साथ नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री कई बार वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जिले के अधिकारियों से जुड़ते हैं। जी दूसरी बात जो आपने कही मदरसों की, तो मदरसों का रिव्यू करने में आपको क्या दिक्कत है? अगर वहाँ कोई गलत एक्टिविटी नहीं चल रही है तो क्यों नहीं होना चाहिए? और मदरसे की तुलना आप मंदिर से कर रहे हैं, एक बार मस्जिद की तुलना मंदिर से करते तो समझ में आती है। आपत्ति किस बात पर है रोहित जी, स्पष्ट करें। जी इनके मंत्री ने ये लिखा है कि सतना के मंदिरों में जो जगदम्बा का मंदिर है वहां पर मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति अथॉरिटी में आवाज नहीं आ रही। जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही रोहित जी, माइक ऑन कर लीजिए। रोहित जी आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से प्रयास करें। स्काइप का माइक ऑन कर ले, आवाज आएगी। रोहित जी आप सुन पा रहे हैं हमें? माइक ऑन कर ले रोहित जी। चलिए हम रोहित जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, रोहित जी की आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। रोहित जी आप बने रहे हमारे साथ, हम केशव जी का रुख कर लेंगे। केशव जी दोनों पक्षों को आपने सुना, दोनों की अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि जो रिव्यू होते हैं वो वास्तविकता में होते ही नहीं है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि भौतिक तौर पर नहीं लेकिन वर्चुअल रिव्यू तो होते हैं। लेकिन क्या ये जो वर्चुअल रिव्यू हो रहे हैं और अभी तक जितनी भी समीक्षा हो पाई है ये काफी है, या हर बार सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इन्हें कर दिया जाता है लेकिन कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद स्थिति वैसी ही होती है जैसी पहले? अमित जी, रोहित जी एक सवाल खड़ा कर रहे थे जी, तो मैं यहाँ पे संज्ञान में ला दूं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ सरकार बनी थी जी, तब इन्होंने पुलिस विभाग की छुट्टी का मुद्दा बनाया था, भारी हंगामा किया था कि पुलिस को छुट्टी नहीं मिलती, पुलिस को छुट्टी नहीं मिलती। कमलनाथ जी ने कुर्सी संभाली, संभालते था छुट्टी का मुद्दा गायब हो गया जी। दोनों ही दलों ने ये मुद्दे को उठाया था, क्या पुलिस को छुट्टी का एक दिन का रेस्ट लेने का अधिकार नहीं है जी? ये दल जो है पुलिस को, सिस्टम को, एजेंसी को राजनीतिक प्रभाव में अपने हिसाब से हांकना चाहती है ना, ये सब जगह होता है। अब आप आज की बात करें, जिस वर्चुअल बैठक को सीएम साहब ले रहे थे जी, उस वर्चुअल बैठक के एयर कंडीशनर के तार चोरी हो गए थे, 1.5 लाख रुपए के, वो आज तक उसके चोर नहीं पकड़ा है जी। अरे थाने में मुकदमा दर्ज है, ये हमारे यहाँ सिस्टम में, क्योंकि फोर्स का कैडर रिव्यू का सिस्टम पूरा लैप्स हो चुका है जी, 2000 पद एसआई के खाली हैं, ठीक है, डीपीसी नहीं हो रही है एसपीएस कैडर से जी, तो एक जंग सा बन गया है जी। उसमें जो माफिया है, वो चाहे लैंड माफिया हो, रेत माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, या कोई भी माफिया हो, तो उसको एंट्री करने, नेक्सस बनाने में इन्वॉल्वमेंट करने के लिए थोड़ा सा हैंड मिल जा रहा है। एक 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 सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन की जरूरत पुलिस मुख्यालय के भीतर मौजूद हो रही है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। वहाँ पे कांग्रेस को आकर के मुखर होकर के सामने मोर्चे पे डटना चाहिए, लेकिन ट्विटर आपके पास जी, दोनों ही पार्टी, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा जी। भाई पुलिस जनता के लिए होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। जी जी आपकी आवाज आ रही है रोहित जी। जी स्काइप आप ही, मेरी आवाज इसलिए नहीं पहुंच रही थी क्योंकि आपने मुझे म्यूट कर दिया था जी। नहीं आवाज हमारा हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही थी। आपको अनम्यूट किया है, मैं कॉल पे अपने अलग नंबर से पैच्ड हूं जी जी। मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही थी फिर आप तक, अब कैसे पहुंचने लगी? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी रोहित जी, और हमने आपसे दो बार हमने आपसे जुड़ने का प्रयास किया, आपको हम किया था जी, हम आपको बराबर मौका भी दे रहे हैं जी। मैं चाहता हूं कि मैं अन्यत्र बार अब आपके इस चैनल पे नहीं बैठूंगा अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो। नहीं रोहित जी माफ कीजिए, कोई गलतफहमी हो गई है क्योंकि हमने लगातार आपको जोड़ने का प्रयास किया है। गलतफहमी नहीं, मैं इतनी देर से सुन रहा था, मैं समझना चाह रहा था जी ये टेक्निकल ग्लिच है कि नहीं, आप लोग इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिच है, जबकि मैंने जैसे ही अनम्यूट किया अभी जी तो स्काइप के माध्यम से मेरी आवाज पहुंचने लगी, क्योंकि स्काइप ऑडियो वीडियो दोनों पे पैच होता है। आपकी आवाज हम तक स्काइप के माध्यम से पहुंच रही थी रोहित जी, लेकिन स्पष्टता नहीं थी आवाज में, आपकी आवाज में स्पष्टता नहीं थी रोहित जी। जी जी अनिल जी से भी किया था, केशव जी से भी किया था, मुझे जवाब नहीं आया जी। लॉ एंड ऑर्डर पे ये डिबेट है, मुझे ये बताया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म मध्य प्रदेश में लास्ट कब हुआ था?
तब तो ये प्रसंगिक है डिबेट, वरना क्या बात हो रही है कि कोई क्या कह रहा है कोई। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि अगर मदरसों पे रिव्यू हो रहा है तो मंदिरों पे रिव्यू क्यों हो रहा है? आप दोनों चीजें एक साथ नहीं जी सकते ना, आप दोनों नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकते जी। अनिल जी, आप जो जवाब दे रहे थे रोहित जी को, एक बार निवेदन है एक बार फिर से उसे दोहरा दें, क्योंकि किसी वजह से उन तक जवाब नहीं पहुंच पाया था जी। संक्षेप में, समय की बहुत कमी है जी। अनिल जी उनको जी, रोहित जी आप बने रहे हमारे साथ जी। रोहित जी ये बता दें, मैं बताऊं उत्तर दूं क्या? जी जी रोहित जी ये बता दें कितने मंदिरों में, कितने मस्जिदों में हिंदू लोग हैं वहां पे कर्मचारी? अगर कोई कमेटी बनी थी उसमें मुस्लिम लोग थे और वहां पे बांस की दुकानें खुली थी मंदिर परिसर में, तो उनको बंद करने का काम किया तो क्यों नहीं होना चाहिए बंद काम? आप उत्तर बताइए। और कितनी मस्जिदों की कमेटियों में हिंदू है वहां पे ये बता दें आप, और क्यों नहीं हटना चाहिए? रोहित जी आपका माइक ऑन है, जवाब दें जी। जी मेरा ये कहना है जी, मेरा ये कहना है कि फिर ये बता दें कि साईं बाबा ट्रस्ट में कितने मुसलमान हैं? वहां पे त्र्यंबकेश्वर भी है, आज साईं बाबा के त्र्यंबकेश्वर है, तो साईं बाबा ट्रस्ट में मुसलमान क्यों है? वहां का रिव्यू क्यों नहीं करते ये? और आप जो है, आप जो है मदरसे की तुलना मंदिर से गंबा, जो जगत जननी है जिनके घरों में कोई भी आगे पीछे नहीं, सब पुत्र हैं, सारे पुत्रियां हैं, जिनके लिए सारे लोग समान हैं, उन मंदिर में आप रिव्यू करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बेतुकी बेबुनियाद तुलना करके आप कहते हैं घर वापसी की तैयारी होनी चाहिए। अगर कोई घर वापसी के तैयार भी हो और किसी मंदिर के माध्यम से वापस आना चाहे तो आप तो तैयार नहीं है ना, आप घर हटाना चाहते हैं उनको। घर वापसी पे अलग पे डिबेट करिए, आज के मुद्दे पे बात करिए। आप मंदिर में चले, सवाल का जवाब दे दीजिए। पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश में कब हुए थे? अनिल जी उनका स्पष्ट सवाल एक बार फिर से है कि पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश में कब हुआ था पिछली बार, इसकी तारीख बता दें। ये स्पष्ट उनका सवाल है, स्पष्ट जवाब आपसे चाहेंगे जी। कहीं मंदिर चले जाओगे, कहीं मस्जिद चले जाओगे, आपको पता ही नहीं रहता आज का विषय क्या है। देखिए पांच चीजें ऐसी हैं जी, तो जिनके बिना बात ही नहीं कर सकते, मुसलमान, पाकिस्तान, राम, धर्म और जन्म, इस तरह की बातें यहाँ नहीं चलती हैं। ये कोई स्टेज नहीं है जहाँ पे भाषण दिया जाए। आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए लास्ट पुलिस रिफॉर्म कब हुए थे? बोल रहे हैं पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, आप भर्ती करते नहीं है, पुलिस कहाँ से कंट्रोल करेगी रिफॉर्म्स? आपने कितनी भर्ती करी थी 15 महीने में? चलिए तो लगता है कि विषयांतर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन समय की हमारे पास फिलहाल बहुत कमी है और लगातार हमने कोशिश भी है कि तीनों को मेहमानों को लगातार हम बोलने का मौका दें, और हालांकि ऐसी बात नहीं होती है। माफी चाहूंगा एक बार फिर से कि यदि किसी भी वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई हो तो इसके लिए खेद बहुत है, लेकिन हमने समय ही इसलिए आप लोगों को दिया था ताकि इस विषय पर जुड़कर एक सार्थक चर्चा हम आपके साथ में कर सके। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चैनल में जुड़ने के लिए, इस खबर में, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश लाइव के डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।